इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको हेड करते हैं रक्षा मंत्री, वह संगठित की गई थी और यहाँ पे कुछ जो AON है वो अप्रूव किए गए हैं आर्मी के लिए और नेवी के लिए। तो जो प्रोजेक्ट की लागत है इन कैपिटल एक्विजिशन की वो 4,276 करोड़ की है। तो इनका जो AON है वो अप्रूव किया गया है MOD के द्वारा इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो पहला प्रोक्योरमेंट है वो AON हेलिना को लेके, यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग को लेके। ये थर्ड जेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके जो मल्टीपल टेस्ट हैं, ट्रायल है, ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। तो इसके प्रोक्योरमेंट का जो AON है वो अप्रूव किया गया है और यहीं पे इसका जो लॉन्चर है और जो एसोसिएट इक्विपमेंट है उन सभी को अप्रूव किया गया है। तो प्राइमरली जो इंटीग्रेशन है वो ALH पे रहेगा। सो कहने की जो ALH रुद्र है उसके स्ट्राइक पावर को एनहांस करने जा रहा है। तो जो एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है स्पेशली LSE के अराउंड ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वैसे रीजन में जहाँ पे ऑल्टीट्यूड हाई है वहाँ पे जो ALH की परफॉर्मेंस है वो हायर रही है और इफेक्टिव रही है। हेलिना का जो वेट है वो 45 kg के अराउंड है और जो रेंज रहेगी वो 500 meters से लेके 7 kilometers के अराउंड रहेगी। तो इसको लेके जो टॉप अटैक क्षमता है और जो डायरेक्ट हिट कैपेबिलिटी है दोनों को ट्रायल में वैलिडेट कर लिया गया है और जो आपको किल प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 80% से ऊपर की है। इसको ऑल वेदर में आप फायर कर सकते हो और एनिमी के टैंक का जो आर्मर है वो कैसा भी हो उसको भेज सकता है, क्योंकि जिस तरह का वेट है 45 kg का उसको देखते हुए जो वॉरियर का पोर्शन है वो वैसा ही है, हायर साइड में है। तो जो हेलिना का ही एक वेरिएंट है जिसको IEF के लिए बनाया गया है ध्रुवस्त्र के रूप में, उसके भी ट्रायल कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो अभी जो अप्रूवल है DSC का वो हेलिना को लेके दिया गया है। अगले अप्रूवल की बात करोगे जो कि एक AON है और यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है वो VISORAD का है, एंड कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसको डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने। तो इसको प्रोक्योर करने का जो अप्रूवल है वो दिया गया है। हाल ही में कुछ डेवलपमेंटल ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे DRDO के द्वारा और इस सिस्टम में जो इसका आयर होमिंग वाला मिसाइल है वो अप्रूव किया गया है DSE के द्वारा। तो यहाँ पे कहीं की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी अर्जेंट देखी जा रही है, स्पेशली LSE के अराउंड, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की, मतलब ऐसा एयर डिफेंस वेपन जो कि पोर्टेबल हो, जिसको आप शोल्डर से फायर कर सको। इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है कि माउंटेनियस एरिया में जो आपके पास रिएक्शन टाइम होता है एरियल टारगेट को हिट करने का वो बहुत कम आपको मिलेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपका एनिमी है वो माउंटेन्स के बीच में बचते हुए सामने आ जाए, तो वहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है वो काफी कम है। और उस चीज को देखते हुए ऐसे सिस्टम की जो अर्जेंसी है वो देखी जा रही है और प्रॉब्ली इसीलिए जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है। तो यहाँ पे DRDO का VISORAD भी एक रोबस्ट सिस्टम है जिसको एक कम टाइम में डिप्लॉय किया जा सकता है। DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करोगे तो स्पेशली बनाया गया है मूविंग एरियल टारगेट को डिफीट करने के लिए, जैसे कि UAV हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, फाइटर जेट हो गया। तो ट्राइपॉड पे माउंट करके इसको लॉन्च किया जाएगा। डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें जो इमेजिंग इंफ्रारेड सी का है वो दिया गया है। वेट यहाँ पे 20 kg के अराउंड है, जो रेंज है वो अप टू 7 kilometers के अराउंड है। और यहाँ पे जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है मिनीचराइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का वो दिया गया है, जो कि हेल्प करेगा मोबाइल टारगेट को हिट करने में। वॉरेड की बात करोगे तो जो PF वॉरेड है वो दिया गया है 2 kg के अराउंड। जो फ्लाइट टाइम रहेगा वो 15-20 seconds का रहेगा, जिसमें जो स्पीड रहेगी वो 1.5 Mach के अराउंड रहेगी। लॉन्च ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो 3.5 kilometers के अराउंड रहेगा। और कंट्रोल के लिए यहाँ पर जो डिजिटल कंट्रोल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स वो दिए गए हैं, और जो रिएक्शन कंट्रोल है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा जो सिस्टम है वो ये रहेगा। यहाँ पर जो AON है इतनी जल्दी दे दिया गया है तो प्रॉब्ली उम्मीद ये है कि इस साल में जो इंडक्शन है 2023 के अंत तक वो देखने को मिले। बात करते हैं अगले अप्रूवल का DSE के द्वारा, तो वो है ब्रह्मोस के लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम को लेके शिवालिक क्लास वॉरशिप के लिए, जो कि इंडियन नेवी के लिए है। सो ये एक अप्रूवल है। यहाँ पे जो ब्रह्मोस का अप्रूवल है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए, यानी कि NGMV के लिए, वो भी दिया गया है, जो कि इन शिप की जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा और एनिमी के वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने में एक लंबी दूरी से वो क्षमता आपको देगा। तो ये कुछ जो अप्रूवल है वो आज DSE के द्वारा दिए गए हैं। प्रॉब्लम जो CCS का नॉड है वो जल्द इन पे आपको दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।